देखिए, आज हम लोग जो है वो एकल विस्थापन को पढ़ेंगे, है ना। एकल विस्थापन में क्या हम लोग क्या जान रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग जान रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ होना क्या है, होना ये है कि इसमें क्या होता है, ढेर सारा यौगिक, कोई भी यौगिक है, उसमें उसके कुछ परमाणु को या परमाणु के समूह को क्या कर दिया जाता है कि दूसरे तत्व या यौगिक के परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग दो कैटेगरी में देखेंगे। एक में है कि कम क्रियाशील धातु अपने से अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, इसको हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ पर Fe है आयरन और कॉपर सल्फेट है, है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है जिसका रंग कैसा है, नीला है, और लोहा का एक टुकड़ा क्या करते हैं, उसमें एक काटी ले सकते हैं, है ना। काटी को क्या कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो डालने के बाद हमें कुछ देर के बाद क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो हमारा विलयन था उसका रंग पहले कैसा था, तो नीला था। अब ये एक रंग जो है बदल के कैसा हो जाएगा, तो लाल भूरा हो जाएगा। कारण क्या है, तो कारण ये है कॉपर विस्थापित कर दिया गया आयरन के द्वारा, और अब ये जो है वो बना क्या रहा है, फेरस सल्फेट का निर्माण कर रहा है। इसी के वजह से हमारा रंग जो है इसका लाल भूरा हो गया। कॉपर क्या हो गया है, विस्थापित हो गया है, पेंदी में आपका जमा होगा। उसके बाद दूसरे यौगिक को हम लोग देखते हैं, है ना, दूसरी अभिक्रिया में। तो दूसरा अभिक्रिया में कॉपर का एक तार ले लीजिए, है ना, और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। कॉपर का तार और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जैसे ही कॉपर का तार हम लोग डालते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर विस्थापित हो जा रहा है, सिल्वर विस्थापित हो जा रहा है कॉपर के द्वारा, और कॉपर जो है कॉपर के तार के ऊपर आपको सिल्वर की एक परत दिखेगी, जिससे कॉपर का तार कैसा हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, है ना। और बन क्या गया, तो कॉपर नाइट्रेट का निर्माण हो गया, है ना। और कॉपर नाइट्रेट के बनने के वजह से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो हल्का नीला हो जाएगा, है ना। रंग कैसा होगा, तो हल्का नीला हो जाएगा। और सिल्वर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। कहाँ विस्थापित हुआ, तो कॉपर के ऊपर विस्थापित हुआ, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, तो जिंक का एक टुकड़ा ले लेते हैं, है ना, और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट तो नीला था ही, अब इसमें डाल क्या दिए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने इसमें डाल दिया जिंक का टुकड़ा। तो कुछ देर के बाद वहाँ क्या होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, यानी कि कॉपर विस्थापित हो जाएगा और जिंक सल्फेट से जुड़ने लगेगा, है ना। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, है ना। अब इसके वजह से परिवर्तन क्या दिखाई देगा, तो हल्के लाल रंग के कॉपर की परत हमको दिखाई देगी, है ना। और जिंक सल्फेट कैसा होता है, तो रंगहीन होगा, ठीक है। कैसा होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। तो ये हमारा परिवर्तन दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो अगला है कम क्रियाशील अधातु जो है उसके यौगिक के द्वारा विस्थापन को देखेंगे। कम क्रियाशील अधातुओं का के ऊपर काम अब देखते हैं। तो हम लेते क्या है, सोडियम ब्रोमाइड को लेते हैं, और सोडियम ब्रोमाइड का क्या कर लेते हैं, घोल बना लेते हैं, विलयन लेते हैं, और उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, है ना। तो निर्माण क्या होना है, ये हमारा सोडियम विस्थापित हो जाएगा, क्लोरीन उसका स्थान ले लेगा, तो बनेगा क्या, NaCl साल्ट बनेगा, और ब्रोमीन जो है उसका गैस का निर्माण होगा। और ब्रोमीन के वजह से यह विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, तो ब्रोमीन के कारण इस विलयन का रंग कहाँ हो क्या होना है, तो भूरा रंग हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं विलयन के रूप में। अब उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो हमारा निर्माण क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में आयोडीन बनता है, ठीक है। आयोडीन बनने के वजह से ये जो विलयन है उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो बैंगनी हो जाएगा, है ना। तो अब हम अगले प्रयोग की ओर चलते हैं। अगले प्रयोग में क्या है, जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने के बाद जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा,
जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस को जांचने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोई जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे, है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं, मुक्त हो रहा है या नहीं, परखनली के सामने रखेंगे तो पॉप साउंड होगा, है ना। और हाइड्रोजन गैस की पहचान जो है पॉप साउंड के द्वारा होती है कि हाँ यहाँ ये बन रहा है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, ठीक है। और भी अभिक्रिया हो सकती है किसके साथ, तो जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, फास्फोरिक अम्ल के साथ भी, एसिटिक अम्ल के साथ भी ये अभिक्रिया कर सकता है। तो इनके समीकरण को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये अभिक्रिया करेगा। तो जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा ले जा सकते हैं तो पॉप साउंड हमें बनेगा। जिंक को फास्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है वो क्या करेगा, जिंक फॉस्फेट का निर्माण करेगा। जिंक फॉस्फेट है Zn3PO4O2, है ना, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। उसके बाद जो है अगर हम लोग जिंक को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से रिप्लेस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यहाँ भी लास्ट वाला एच जो है वो आपका गायब हुआ और बना क्या, जिंक एसीटेट का निर्माण होगा, है ना, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस तरह से हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया पूर्ण हुआ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि लगातार हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे, है ना। बेल आइकॉन को भी दबाएंगे, इससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें।